बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल EHA असिस्टेंट। क्या स्टूडेंट्स ग्रेड 9th और ग्रेड 11th के स्टूडेंट्स को भी पास किया जा रहा है या सिर्फ अनाउंसमेंट्स ग्रेड 10th और ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है? इस बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि क्या उन्हें भी पास किया जाएगा या नहीं। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने जा रही हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें EHA असिस्टेंट्स को, ताकि तमाम रियल और ऑथेंटिक न्यूज आपको बर वक्त मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार आपके जो एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं उनका क्या सिनेरियो में कंडक्ट किए गए, क्या किस तरीके से क्या सिचुएशंस थी, COVID-19 का टाइम था, लॉकडाउन की सिचुएशंस थी, उसके बावजूद आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, इस हवाले से लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स की गई हैं शफकत महमूद साहब की तरफ से। और उन अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ट्वीट्स में क्लियर कट ये बात बताई है कि तमाम स्टूडेंट्स को ग्रेड 10th और ग्रेड 12th कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, हर जगह यही मेंशन किया गया है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। जब ग्रेड 10th और 12th के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि उनको 33% मार्क्स देकर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में तमाम वो स्टूडेंट्स जो ग्रेड 9th और 11th के हैं, ऑब्वियसली उन्हें भी पास किया जाएगा अगर उनमें से कोई फेल हो रहा होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होने इसका मतलब किसी के लिए नहीं होने, 9th और 11th के लिए भी कंडक्ट नहीं होने। जब 10th और 12th कोई बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म तो नहीं यहाँ पर चलेगा ना, ऑब्वियसली 10th और 12th के लिए जो रूल होगा वही 9th और 11th के लिए भी होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाएगा, जिसके बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंशाल्लाह ये डिसीजन ग्रेड 9th और 11th के लिए भी लिया जाएगा। अलबत्त अगर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज में ग्रेड 10th और 12th को ही हाईलाइट किया जा रहा है, यानी अब क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है ना उसमें 10th और 12th के हवाले से बात की गई है, क्योंकि आपको पता है कि 10th और 12th का रिजल्ट इन्हीं डेज में आना है, तो इस हवाले से अभी बात की गई है। लेकिन ग्रेड 9th और 11th वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल भी इस मामले में परेशान ना हो कि वो फेल हो जाएंगे या उनको पासिंग मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि शफकत महमूद साहब की तरफ से या तो कोई ट्वीट किया जाएगा या कोई नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, जिसके बाद आपकी ये तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह ग्रेड 9th और 11th वालों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। मजीद इंफॉर्मेशन जैसे भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, इसलिए आपने मेरे चैनल के साथ लाजमी इन टच रहना है। और अगर ऑब्वियसली चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से क्या पता कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर हो जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।